नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12, 13 और 14 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में, ग्रहों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 12 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों इन दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और उत्तर भाद्रपदा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इन दिन व्याति पात नाम के शुभ युग के उपरांत ही वरियान नाम का शुभ युग रहेगा। और दोस्तों, राहु कल के समय शाम के 4:19 से लेकर शाम के 5:38 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मीन राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो सोमवार का दिन होगा, दशमी तिथि रेवती नक्षत्र और दोस्तों दिन परिक नाम का शुभ योग रहेगा। दोस्तों, राहु कल के समय सुबह के 8:22 से लेकर सुबह के 9:42 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 14 दिसंबर की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र और शिव नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। दोस्तों, आखिरी दिन में बहुत ही अच्छे योग हैं, आपको बहुत ही लाभ देने वाले शब्द होंगे। राहु कल के समय शाम के 3:00 से लेकर शाम के 4:19 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा आखिरी दिन में मेष राशि पर ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। पॉजिटिव की अगर बात करें तो दोस्तों, यदि आप विदेश जाने का सपना पाल रहे हैं तो उससे संबंधित परिणाम इस समय आपको मिलने की आंशिक संभावना है। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, बुजुर्गों आपको अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे। और दोस्तों, पूरा माहौल यश में शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों के सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों उनके साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। दोस्तों, आधिकारिक उद्देश्य के लिए यात्रा करना वांछित परिणाम नहीं दे पाएगा, इसलिए अगले महीने के लिए इसे स्थगित कर दें। वही दोस्तों, इन दिनों में पुरानी बातों से निकलकर नए कामों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, गुजरे कल के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको बहुत से नए अवसर भी मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी जो है वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप नाराज हैं तो दोस्तों यश में उन्हें माफ़ कर दें। किसी भी कार्य या फिर रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने के बजाय उसे उनके साथ संभलने का उसे मौका देना चाहिए। दोस्तों, यश समय अगर आपकी करियर की बात करें तो दोस्तों करियर में बीती बातों को भुलाकर अपनी प्लानिंग को अगले चरण में ले जाएं, इससे दोस्तों लाभ होगा। दोस्तों, यश समय अगर आपको अच्छा अवसर मिले तो आप नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आप संगठन और अपने काम के दायरे के बारे में अच्छे से शोध कर लें। दोस्तों, यश में इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका जीवन साथी शारीरिक समस्याओं से जूझ सकता है, ऐसे में उनकी सेहत का आप ध्यान रखें क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होगी और मानव होने के नाते आपका कर्तव्य भी। दोस्तों, यश में रिश्तों के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, अविवाहितों के लिए नए प्रवचन मिल सकते हैं। दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो किसी पुरानी बीमारी से आपको आज के दिन राहत मिल सकती है। दोस्तों, यश में आपको एक शांत आचरण बनाए रखना चाहिए और तर्कों से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, यश में चुनौती यह है कि आप अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखें, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा कूटनीतिक बने।
दोस्तों वहीं ऐसे में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा गोल्डन और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यह समय आउटडोर खेलों में महिलाओं खिलाड़ियों को उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के करियर संबंधी विशेष बात संभव है। सांस संबंधी मामले में आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों यह समय उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होंगे। इस उत्साह के कारण आपको अलग अलग वस्तुओं पर हाथ आजमाने का मन भी होगा, परंतु दोस्तों आप विशेष खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप में इतनी शक्ति होने पर भी आप सुरक्षित रहकर कदम उठाना पसंद करेंगे। दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वह दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो आप काम में निपटने के लिए नए नए तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि आप असामान्य चीज़ें करने के मूड में रहेंगे। लेकिन दोस्तों निर्णय लेते समय सावधान रहें। गणेश जी के अनुसार दोस्तों यश में टीम वर्क आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों यह समय की शाम दोस्तों और प्रियजन के लिए आरक्षित होगी। आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे और अपने पीर को क्लैरिटी टाइम देने पर गर्व महसूस कर सकते हैं। वहीं आपके साथी का अच्छा मूड आपको खुशी देगा। वहीं दोस्तों यह समय अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यह समय आपको शीघ्र ही बहुत बड़ी जमीन खरीदने के अवसर भी मिलेंगे। यदि आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाह रहे हैं और आपका कोई नज़दीकी विश्वास पात्र मित्र आपके साथ भागीदारी बनकर इस व्यवसाय में निवेश करना चाहता है तो दोस्तों आपको इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपका आर्थिक भार भी कम हो सकता है एवं इस गठबंधन से आपके आपसी संबंध भी खराब नहीं होंगे। दोस्तों गणेश जी को लगता है कि आज के दिन आपके अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे। आपका मन मुताबिक तार्किक और सक्रिय रहेगा। आप कुछ असामान्य या फिर अतिरिक्त करने में सक्षम होंगे। आप नेटवर्किंग में अपनी ऊर्जा का निवेश करेंगे। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों यह समय आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी जो है खींच की वजह बन सकती है। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएंगे। दोस्तों रोमांचक दिन है, क्योंकि अपने पीर का फोन आएगा। कारोबार जितना हो अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से शेयर न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। दोस्तों यह समय एक बार फिर समय में कुछ पीछे जाकर शादी की शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों यह समय नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए माता पिता को आप पार्वती व फिर शिव जानकर उन्हें बैठाएं। हाथों में पुष्प लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश के रूप में समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। वह दोस्तों नौकरी प्राप्त करने का प्रमोशन प्राप्त करने तथा विद्या के क्षेत्र में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करें। इससे दोस्तों आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगे और इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। तो दोस्तों इन उपायों को करें, ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।